हेलो भाइयों, मैं उसको कर और आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप मेरे खड़े देख रहे होंगे, अशोक लीलैंड का ट्रक, मिनी ट्रक होता है ये। और भाइयों, इसका देने वाले आज आपको रिव्यू, कैसे क्या सिस्टम मिलता है इसका, पूरा प्रॉपर इंजन वगैरह और इसके ये पीछे स्पेस वगैरह कितना खास कुछ मिलता है और CNG में आता है ये खास बात है इसकी, और टायर वगैरह बताएँगे। उससे पहले दिखाते हैं इसकी चाबी, ऐसी कुछ मिलती है चाबी। अशोक लीलैंड का ट्रक है, देखो ये मिलती है चाबी, देखो। और भाइयों, लुक की बात करते हैं पहले, आगे से ऐसी कुछ लुक देखने को मिलती है। सबसे पहले एक ग्रिल मिलती है, इस पर लिखा मिलता है अशोक लीलैंड, और यहाँ पे L देखो ये लोगो। और भाइयों, यहाँ पे बात करें तो रेडियम टेप वैसे लगवा रखी है अलग से। यहाँ पे बात करें हेडलाइट की, हेडलाइट में यहाँ पे मिलते हैं इंडिकेटर, ये टर्निंग इंडिकेटर नहीं है, ये वैसे नॉर्मल है हैलोजन बल्ब। और यहाँ पर पार्किंग मतलब देखो, और ऐसे यहाँ पर इधर फॉग लैंप वगैरह मिलते नहीं। आप सोचेंगे क्या पता नहीं यहाँ पे स्पेस है फोग लैम्प, नहीं फोग लैम्प नहीं मिलते यहाँ पे, छोटे छोटे रिफ्लेक्टर हैं वैसे जो रात में चमकते हैं, जो रिफ्लेक्ट होती है अलग से लाइट जो सामने से व्हीकल्स आते हैं। और बात करें यहाँ पे हल्की वगैरह ग्रिल मिलती है इसके रेडिएटर पे, मतलब हवा पास होने के लिए, ये देखिए ग्रिल वगैरह। और काफ़ी बड़ा मिलता है इसका ये मिरर, देखो रियर मिरर। और ये ऐसे कुछ मिलते हैं यहाँ पे वाइपर्स, देखो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े वाइपर्स हैं। और भाइयों, ये डोगी वगैरह की आवाज़ को आप इग्नोर करना क्योंकि मैं आज घर पर वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे आप इसके पढ़ सकते हैं इसके सारे लोड बॉडी, पेंट ओके, शोवर ओके, ऑयल टेस्ट, व्हील अलाइनमेंट, CNG असाइनमेंट, चेसिस ओके, ट्रिम ओके, इलेक्ट्रिकल ओके। ये भाइयों टेस्ट होता है, जब यहाँ पर अशोक लीलैंड वाले टेस्ट करते हैं यहाँ पर लिखा मिलता है, जब ये पूरा सारे फाइनल टेस्ट से होकर गुजर जाता है तब यहाँ पर ये स्टिकर लग जाते हैं इसके फाइनल ओके। देखो ये फोकस नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे सब मिलते हैं, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे भाइयों, यहाँ पे इसके यहाँ से निकल रहा था ये लिखा मिलता है CNG की बैजिंग, क्योंकि भाइयों CNG में मिलता है ट्रक। और यहाँ पे इसके मिलते हैं देखो वाइपर, ये वाटर भी का सिस्टम है इनमें, ये देख सकते हैं आप। और भाइयों देखो पूरा सिस्टम वगैरह, ये मिलते हैं इसके मिरर, साइड मिरर देखो, काफ़ी बड़े मिरर मिलते हैं ये दोनों साइड। और भाइयों दिखाते हैं इसके टायर, टायर मिलते हैं इसमें सीएट के टायर। और इसके साइज़ की बात करें, साइज मिलता है भाइयों ये 185 R14 इंच का टायर मिलता है, 185 इसकी चौड़ाई है ये। और भाइयों देखो यहाँ पर आप आवाज़ को इग्नोर करना। और भाइयों ऐसा कुछ इसका साइड लुक मिलता है, एक बार अब बंद कर लेते हैं, शोर ज़्यादा आ रहा है। भाइयों करते हैं स्टार्ट, ऐसे कुछ मिलता है इसका साइड लुक। और फिर से कह रहा हूँ, जो आपको थोड़ी बहुत नॉइस आए, आवाज़ घर पर वीडियो बना रहे हैं तो भाइयों वो तो थोड़ी आपको इग्नोर करनी पड़ेगी आवाज़। तो भाइयों देखो साइड लुक ऐसा कुछ, CNG का स्टिकर मिलता है यहाँ पर ग्रीन CNG का। और ये तो यहाँ पर रेडियम टेप मिल लगवा रखी है जो रिफ्लेक्ट करती है नाइट में। ये कुछ मिलते हैं इसके इंडिकेटर, जो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। एक बार चाबी लगा लेते हैं, एक बार इसमें चाबी लगा कर और करते हैं इसको ऑन। अब चलेंगे एक बार अब चलेंगे। देखो भाइयों इंडिकेटर चल रहे हैं, और अंदर लेके चलेंगे आपको, पहले दिखाते हैं इसकी साइड लुक। ये यहाँ पे डोर खोलने का मिलता है, ये यहाँ पे इसका कुछ काफ़ी भारी भरकम मिलता है साइलेंसर, जैसा कि इसका इंजन भी काफ़ी भारी भरकम है। और इसमें CNG के दो सिलेंडर मिलते हैं, एक तो पर्ली तरफ एक इधर CNG के। और ये इसके कुछ मडगार्ड वगैरह देखो, जो टायर मिट्टी ना फेंके। बात करें इसे पीछे से लुक से, ये इसका हिंदी में डाला बोलते हैं ये लगता है इस पर। और वैसे जब ये नॉर्मल आता है कंपनी की तरफ से इतना आता है, जहाँ पे दिख रहा है ये ऊपर से अलग से बनवाना पड़ता है। ये आपको खोल के दिखाते हैं एक बार पीछे कितना स्पेस वगैरह मिलता है इसमें, देखो ये इतना कुछ स्पेस मिलता है, इतना मिलता है इसमें स्पेस। कर देते हैं इसको बंद, एक बार करते हैं इसको बंद भाइयों। और बंद करके देखो ये काफ़ी हार्ड बंद होता है, ये हो गया। और पीछे से लुक की बात करें, पीछे से कुछ ऐसी लुक मिलती है इसकी, यहाँ पे अशोक लीलैंड लिखा हुआ मिलता है, जैसा कि आगे लिख रहा था। ये मिलती है ऐसी कुछ टेल लाइट, यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह, ब्रेक लाइट देखो। और ये रिवर्स गियर पे जलती है सबसे लास्ट वाली। और भाई पीछे मिलती है स्टेपनी टायर, देखो ये मिलता है। और इसके साइज़ की बात करें, साइज भाई इसमें इतना ही मिलता है, 185 R14 जो इन टायरों का साइज़ है वो ही मिलता है, ज़्यादा नीचे था तो वैसे दिखा नहीं सका मैं, कैमरे में आया नहीं होगा। तो भाइयों ये साइड से लुक देख सकते हैं इसकी, प्रॉपर लुक ये देखिए।
और भाइयों चलते हैं एक बार अंदर लेके, अंदर से कैसी क्या लुक मिलती है। ये इसके यहाँ पर लॉक वगैरह मिलते हैं देखो खोलने के लिए, ये ऐसे हो के खुल जाएगा। ये देखो ये जो पहले तो ये खुला था, ये नीचे वाला भी खुलता है। और चलते हैं अंदर लेके इसके। तो भाइयों अंदर से लुक दिखाते हैं एक बार। और ये इसमें मिट्टी वगैरह है, ये हमारे फार्म पे रहता है, इस फार्म पे, तो आप इसको इग्नोर करना ये मिट्टी वगैरह, तो क्योंकि इसमें फिस जाती है। ये आप देख सकते हैं भाइयों स्टीरियो मिलता है इसमें, यहाँ पे इसमें 5 गियर देखो। को इसको घर के यूज में नहीं लेते, घर में तो क्या यूज लेंगे इसका। तो देखो भाइयों यहाँ ऐसा कुछ मीटर मिलता है, ये कुछ कुछ बुलेरो की याद दिलाता है, बुलेरो में भी ऐसा मिलता है देखो भाइयों। और भाइयों मीटर में काफ़ी फीचर्स मिलते हैं, ये आपको सही दिखा रहा है क्योंकि सूरज की सीधी मतलब रोशनी आ रही है बहुत तेज। ये इसका यहाँ पे बॉक्स मिलता है देखो, मतलब बॉक्स। और भाइयों ऐसे कुछ सीट वगैरह, ये यहाँ पे हेड रेस्ट देखो, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है और इस पर बैठ भी सकते हैं, इसमें आगे भी 3 बैठ सकते हैं, आगे क्या बस आगे 3 बैठ सकते हैं इसमें। यहाँ पे इसके फ्यूज वगैरह सारे देखो। और भाइयों पीछे लिटिल लिटिल स्पेस मिलता है। बात करते हैं यहाँ पे, ये मैंने 5 गियर्स दिखाई दिए, ये रिवर्स और ये इसका हैंड ब्रेक देखो। ये अशोक लीलैंड, यहाँ पे इसके मैनुअली डोर खोलने के, ये मतलब डोर खोलने का, तो ये इसका मैनुअली डोर अप डाउन करने के लिए जी हाँ, पावर विंडो नहीं मिलती इसमें। और ये इसमें यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल देखो, ये देख सकते हैं आप, वो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, ये मोबाइल रखने के लिए स्टैंड यहाँ पे देखो। और ऐसा कुछ बड़ा भारी भरकम मिलता है स्टेयरिंग, ये इसका यहाँ पे मिलता है मिरर देखो। इसमें वैसे तो इसका कोई काम नहीं, क्योंकि जब ये इसमें पीछे डाला बन जाता है तब इसका कोई काम नहीं होता देखो, आप देख सकते हैं। और आगे स्पेस वगैरह मिलता है कुछ लिटिल लिटिल, ये मिलते हैं। ये जो इसके लोग हैं ये दिलाते हैं हमें मारुति 800 की याद, मारुति 800 में देखो ऐसे मिलते थे देखो। और ये हमारा डोगी है रॉकी, रॉकी। तो भाइयों आप देख सकते हैं ये ऐसी कुछ लुक मिलती है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर ये ट्रक, मैं आपका रिव्यू दिया। और इसका पैडल और दिखा देते हैं, इसके यहाँ पे 3 पैडल मिलते हैं, ये तो सब पता ही है, क्लच ब्रेक और इसका एक्सीलेटर, ये मिलता है प्रॉपर। स्टीयरिंग वगैरह, स्टीयरिंग का एक बार आपको इसका इंजन वगैरह और दिखा देते हैं एक बार खोल के, इंजन खोलते हैं। और भाइयों यहाँ पे इसके सीट के कंट्रोल मिलते हैं देखो, ये इसको उठाने के लिए ऊपर और इसको आगे पीछे करने के लिए, ये आप देख सकते हैं। और भाइयों देखो यहाँ पे सारे कंट्रोल वगैरह इसके प्रॉपर, आपने देखे यहाँ पे अंदर इसमें स्पीकर अंदर लगते हैं, इसमें डोर वगैरह में नहीं लगते जैसा कि आप देख सकते हैं, अंदर स्पीकर रखे हैं डैशबोर्ड के नीचे। और देखो भाइयों यहाँ पे फ्यूल डलता है इसमें, ये आप देख सकते हैं। तो भाइयों ऐसा कुछ था इसका रिव्यू, ये प्रॉपर। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच।